आदर्श साक्षरता कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रेरक संघ गोरखपुर के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार के नेतृत्व में सोमवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में समन्वयकों की 40 माह मानदेय बकाया और संविदा बहाली के संबंध में एकत्र हो चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इकट्ठा होने के बाद रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए टाउन हॉल गांधी प्रतिमा होते हुए जिला अधिकारी गोरखपुर को संबोधित ज्ञापन सौंपा। रैली निकालकर लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान मुख्य रूप से सत प्रकाश यादव, ऋतु राज, गजेंद्र सिंह, जितेंद्र पांडे, मनोज यादव, दयानंद यादव, दुर्गेश मिश्रा, शमीम खान, मोहन लाल आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर ने संवाददाता से बात करते हुए पुष्पांजलि दुबे और प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा, सादर अवगत कराना है कि साक्षर भारत मिशन योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में 2 प्रेरक, जिले में 4 जिला सुनक, प्रत्येक विकास खंड 1 ब्लॉक सुनक, 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में 2011 से अल्प मानदेय पर कार्यरत थे। साक्षर भारत मिशन योजना के अतिरिक्त केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में निर्गत अन्य शासकीय कार्यों का भी क्रियान्वयन कर रहे थे, जैसे मतदाता पुनरीक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, जनसंख्या रजिस्ट्रार, पल्स पोलियो अभियान, साक्षरता एवं स्वच्छता कार्यक्रम इत्यादि। इसके बावजूद 31 मार्च 2018 को देश के 5 लाख प्रेरक समन्वयक सहित उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों की संविदा को 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दिया और 40 से 50 माह का मानदेय बाधित है। इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा सम्मानजनक समायोजन किया जाए और जो बकाया है 40 से 50 महीने का वो अविलंब दिया जाए। द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन आज ही जो है जिसको संबोधित है उसके सचिव स्तर तक पहुँचा दिया जाएगा। बाकी रही बात DM साहब से मिलने की, अभी मीटिंग चल रही है और उसके बाद वो बैठते हैं ऑफिस में, 4 या 5 लोग आपको अपनी बात करते हैं। जी, हमारा नाम पुष्पांजलि दुबे। हम लोग अभी इस बात तो पहले ही दिन से धरना चल रहा है हम लोग का। जी, हम 40 माह के बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। हमारी बिना बताए हुए संविदा को भी रोक लगा दिया गया है। हम लोग अपनी संविदा बहाली के लिए ही यहाँ पे धरना में आए हुए हैं। आनंद कुमार, समन्वयक संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 40 महीने का मानदेय जो बकाया है और 31 मार्च 2018 को साक्षर भारत मिशन योजना के तहत जो प्रेरक समन्वयक थे उनकी संविदा समाप्ति कर दी गई है। इसके विरोध में हम लोग बार बार ज्ञापन देने के बाद भी जो समस्याओं पर समाधान नहीं हुआ, तो आज इकट्ठा होकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं।